साल भर पहले एटीटीएफ टीएनबी एनएलएफटी ने जो अकाउंट साइन किया था उस अकाउंट में सरेंडर करने वाले एटीटीएफ टीएनबी एनएलएफटीओ का कुछ मांगे या शर्तें था जिसे सरकार ने भी स्वीकार किया था, पर अभी तक सरकार ने उस मांगों पर कार्य नहीं किया। पिछले साल रोड ब्लॉक के दौरान भी उन्हें उनके मांगों को पूरा करने के आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा, पर आज एक साल बीत चुका है, उन सब मांगों का कुछ हिस्सों को भी खुलकर नहीं देखा गया। कोर्ट में जो पुलिस केसेस है वो भी वापस नहीं किया गया है, उन्हें घर देने के वादा को भी पूरा नहीं किया गया है और बाकी सब प्रोजेक्ट्स भी अपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि एटीटीएफ टीएनवी और एनएलएफटी ने ये ठान लिया कि चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम देने के 15 दिन के अंदर अगर कोई जवाब सरकार नहीं देता तो वो लोग रोड ब्लॉक करना शुरुआत कर देंगे। जब तक उनकी 21 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका रोड ब्लॉक जारी रहेगा। सूत्रों के मुताबिक पता चला है